श्री राम रघुवर आश्रम नौबस्ता स्थित समाधि आश्रम में रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। वहीं रक्तदान करने के बाद संत अनुज मोहन सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्तदान करने से जहां एक ओर हम सामाजिक सहभागिता में प्रतिभागिता करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रक्तदान करने से खुद का शरीर भी स्वस्थ और मजबूत और निरोगी होता है। रक्तदान करने से व्यक्ति के शरीर के रक्त का जहाँ फिल्टराइजेशन होता है, तो वहीं दूसरी ओर हार्ट अटैक जैसी कई अन्य आपातकालीन बीमारियों का खतरा भी चला जाता है। संत अनुज मोहन सक्सेना ने बताया कि एक रक्तदान से 3 जिंदगियों को बचाया जा सकता है। रक्तदानियों द्वारा दिया गया रक्त जरूरतमंद लोगों के काम आएगा और ब्लड बैंक द्वारा दिए गए कार्ड से यदि किसी भी अपने रिश्तेदार या अपने मित्र को कभी भी रक्त की आवश्यकता पड़ेगी तो उस कार्ड के माध्यम से उसकी जरूरत पूरी की जाएगी। वहीं रक्तदान करने वाले रक्तदानियों में विमल श्रीवास्तव, गौरव मिश्रा, वीरेश मिश्रा, अमन सहित बउआ अन्य को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वादा ब्लड बैंक ने इस कार्य में अपनी महती भूमिका अदा की है। श्री राम रघुवर आश्रम के द्वारा परम संत सदगुरु महात्मा रघुवर दया जी महाराज चचा जी महाराज की समाधि पे आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान अपने आप में एक बहुत बड़ा महादान कहलाया गया है। इस साल के राजा मंगल हैं और मंगल कहीं ना कहीं रक्त से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग को ये दान अवश्य करना चाहिए, जिससे किसी की जीवन भी बच सकता है। आपके रक्त से किसी की जीवन बच सकता है, तो ये दान हम लोग को अवश्य करना चाहिए। इसलिए समाधि पे इस प्रोग्राम का हम लोग ने आयोजन किया है। अभी तक कितना डोनेशन हो चुका है? अभी तक 10 यूनिट ब्लड जो है डोनेट हो चुका है। कोई संदेश ऐसा जो समाज के लिए देना चाहते हैं रक्तदान के बारे में? संदेश इतना ही देना चाहता हूँ कि अपने लिए सब सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचिए। दूसरों को हो सकता है इस खून की जरूरत हो तब उनको ना मिले, अपने लिए सोचिए कि जगह आपको जरूरत हो खून ना प्राप्त हो तो कैसा लगेगा। तो खून की जरूरत सबको है। अपने खून अगर आपके पास कोई चीज है देने के लिए जो आपको जिसके लिए कोई पैसे नहीं लगने कुछ नहीं लगने, तो ये चीज आप दूसरों को जीवन देने के लिए आगे बढ़िए और रक्तदान करिए।